अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका भाई एस एम रहीमुद्दीन खादरी। टाइगर अभी जिंदा है, एस एम रहीमुद्दीन खादरी अभी जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। आज 6 जुलाई है और सैटरडे का दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं जेल से रिहा हुआ हूँ, आज जेल से आया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे को जेल से लाने वाले मेरा भाई ख्वाजा अलीमुद्दीन, जो हैदराबाद शहर का सबसे बड़ा सोशल वर्कर है, जो हमेशा अपनी जान पे खेल के माशाल्लाह गरीबों की, मजलूमों की, हर किसी की मदद करते अल्हम्दुलिल्लाह। आज इतनी बड़ी मदद मेरे ख्वाजा अलीमुद्दीन, मेरा छोटा भाई और हसन बाबा वजीर मेरे भाई, मेरे को जेल से लाए। मैं ऐसा बंधु जो हमारा हसन बाबा वजीर मरूम, मेरा भाई शेख सईद बाबा वजीर मरूम के भाई छोटे हसन बाबा वजीर, जो आज दोनों मिलकर मेरे को जेल से ले गए अल्हम्दुलिल्लाह। मरे अंत तक मैं हक्का साथ देता रहूंगा, मजलूमों की आवाज बनकर मैं मजलूमों का साथ देता रहूंगा। मैं हक पे था, मैं जेल जाकर आया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मेरे भाइयों से रिक्वेस्ट करूँ, जो मेरे को जेल को पहुंचाए, फिर कैसा मजदार हो किसी पे भी, मेरे भाई अल्लाह देख रहा, अल्लाह हक का साथ देने वाला अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं हक का साथ देते रहूंगा, मजलूमों का साथ देते रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह मरे दिन तक। चाहे मैं जेल को जान दो या मैं मर जान दो या मेरा मर्डर हो जान दो, मैं मजलूमों का साथ दूंगा। और मैं अल्लाह अल्लाह के रसूल के बाद मैं खुसूसन मेरे भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी आस खत्म हो गई थी, मेरा मैं जेल में कैसा वक्त गुजारा, अल्लाह का जिक्र करता रहा, अल्लाह की इबादत करता रहा। ये दोनों फरिश्ते के वैसा है, ख्वाजा अलीमुद्दीन और हसन बाबाजीर को अल्लाह अच्छा रखो, दोनों भाइयों को दुश्मनों से महफूज रखो परवरदिगार, जो आज हमेशा जैसा मदद करते रहे मजबूर की फरिश्ते के वैसा आके ऐसे रहीमुद्दीन खादरी की मदद करे। और मेरे भाइयों मैं हमेशा कहता हूँ, और एक बात बोलकर मैं खत्म करता हूँ, अपने मरहूम वालदा वालिद के लिए दुआ करिए, अपने सगे भाई बहनों के लिए मिलकर रहिए, अगर अपने माँ बाप जिंदा है तो उनकी खिदमत करो, अपने खून से मिलकर रहो, और ये भाइयों के लिए दुआ करो, ख्वाजा अलीमुद्दीन के लिए, हसन बाबा वजीर के लिए दुआ करते रहो। अल्लाह ताला इन लोगों से और खिदमत ले, और मजलूमों की मजबूरों की खिदमत लेता रहे। और एक चीज मेरे भाइयों, थोड़ा सोचो, आप लोग जेल में जो आदमिया रह रही, जेल में जो लोग रह रहे, इतनी तकलीफ में रह रहे, इतनी तकलीफ में रह रही, 5,000-10,000 सीढ़ी के पैसे नहीं है डीडी के लोगों के पास, दो दो साल से 21 साल से जेलों में सड़ रही। तो मेरे भाइयों मैं इतनी मुश्किल से निकला, मेरे भाई हमें को निकालेगी, तो सोचो वैसे जनों को निकालो जेल से, इंक्वायरी करो। 5 जने फेक केसों में अंदर सड़ रहे जेलों में, 5 जने बेगुनाह, माँ बेटे का इंतजार कर रही, बीवी शोहर का इंतजार कर रही, बच्चे बाप का इंतजार कर रहे, वैसे लोग जेल में 10,000 के लिए, 5,000 के लिए, 20,000 के लिए इंक्वायरी करके पैसे जरूर को छोड़ाओ, इतना बड़ा सवाब है। सोचो आप लोग, एक परिंदे को कबूतर को पिंजरे में से छोड़ते हैं इस्लाम में, तो एक इंसान को अगर जेल में से निकालेंगे, पिंजरे में से निकालेंगे, तो कितना बड़ा सवाब मिलेगा मेरे भाइयों, वैसे की मदद करो आप लोग। तो दुआ में याद रखिए, मैं आपका भाई एस एम रहीमुद्दीन खादरी, टाइगर अभी जिंदा है, एस एम रहीमुद्दीन खादरी भी जिंदा है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं शेख हसन मौजे रहीम भाई आ जाए, बहुत खुशी हुई। मैं अलीम भाई जो करे एक ही बात है, करने की बुनियाद पे रहीम भाई जो पहले से बोलते थे सबसे मिलो, और रहीम भाई के जितने भी दुश्मन आए, जो हो गया हो गया, रहीम भाई भी देख के आए हुए, इसीलिए लोगों से दिलों में रखो, रखो भाई कलमे की बुनियाद पे माफ कर दो, आप ही और रहीम भाई भी माफ कर देंगे इंशाल्लाह। सबको बोल रहा हूँ मैं, जितने भी लोग आए सबको बोल रहा हूँ, और इंशाल्लाह मजलूमों का काम जो करते थे वो बराबर करते रहेंगे, जो हो गया हो गया, अल्लाह ताला ठोकर के बाद राहत देता। रहीम भाई जो ऐसो जेल में थे, अल्लाह ताला उनको हिदायत दिया, उन्होंने बाहर आए, फिर वो काम करेंगे इंशाल्लाह, बराबर वो काम करेंगे, जो गलतियां हो गए फिर नहीं होंगे इंशाल्लाह, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं ख्वाजा अलीमुद्दीन सोशल वर्कर, आज रहीम भाई आए, बहुत खुशी की बात है मेरे भाई। रहीम भाई के ऊपर फाल केस मत डालो मेरे भाई, कभी आप लोग जाके जेल में देखो एक दिन कैसा गुजरता, माँ बाप के ऊपर क्या बीतती, आप लोग ऐसा केस डाल दे रहे, बहुत बुरी बात है। जेल में रह के अगर आदमी कुरान शरीफ उठा के या नमाज पढ़ के आप लोगों को बदवा देगा तो कभी खाली नहीं देंगे बदवा, याद रखो मेरे को। हमारा काम है, चाहे कारपेंटर रहन दो, एमएलए रहन दो, हमारा काम है हम बताने का, हमारे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, ना एमएलए से दुश्मनी है, ना कारपेंटर से दुश्मनी है, हमारा काम यही है कि हम काम बताने का है हमारे पास, कोई हमारे एमएलए बनना नहीं है, ना कोई कारपेंटर बनना है, ना कोई गली का लीडर बनना है हमारे को। अलहमदिल्ला हमारी किराए की जिंदगी, किराए का घर है हमारा, कोई बड़ी बात नहीं है। अलहमदिल्ला रोड पे चलने वाला भी हम सलाम करा तो वाले को सलाम बोलते, तो हमारा काम हमारा जारी रहेगा, रहीम भाई का काम जारी रहेगा। रहीम भाई से जो दुश्मन है मेरे भाई, कल्याण की बुनियाद पे मिल लो, हर किसी से गलती होती, अगर आप जेल में अगर इरफान के डाल के फिर डालेंगे, कुरान शरीफ उठा के नमाज पढ़ के ताजुब की, हर नमाज में अगर हथड़ा मारेंगे तो आपके घर के ऊपर बहुत बड़ी बला आती,
ये सुनकर अधूरा सुनगा मगर बदवा रखती मेरे भाई। मैं दबंग गुजारिश करता हूँ, रहीम भाई आए अलहमदिल्ला यहाँ से, इंशाल्लाह अच्छा काम करेंगे। जो भी इनके दुश्मन है मेरे भाई, कलमे की बुनियाद पे आप लोग हम मिल लीजिए, मेरी यही दुआ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या आप जानते हैं हर ठंडी दिखने वाली चीज आइसक्रीम नहीं होती? आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट में बहुत फर्क होता है। फ्रोजन डेजर्ट को बनाने के लिए वेजिटेबल ऑयल और वनस्पति का इस्तेमाल किया जाता है, और आइसक्रीम को बनाने के लिए रियल मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है। रियल मिल्क आइसक्रीम मतलब अमूल आइसक्रीम। क्या आप चाहते हैं कि आपके पार्टी और फंक्शन में आपके मेहमान सिर्फ अमूल आइसक्रीम ही खाएं? या आप एक दुकानदार हैं और आप अपने कस्टमर्स को अमूल आइसक्रीम सेल करना चाहते हैं, तो चले आए यू नीड इंटरप्राइजेस, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा अमूल आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूटर। 1,000 हो या 1,00,000, हम हैं आपकी खिदमत और दावत के लिए हमेशा तैयार। आज ही तशरीफ लाएं यू नीड इंटरप्राइजेस बिसाइड लाइफलाइन हॉस्पिटल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।